शिवू सो रहा है, मैं शिवू को उठा दूंगी अब। गुड मॉर्निंग भैया। अरे तो उठ गया। गुड मॉर्निंग शिवू। अरे उठना शिवू। ये उसका ये निकाल। अरे नींद खराब कर दी रे इसने। जल्दी उठो। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। शिवू को उठा के लेके आई हूँ, जबरदस्ती उठा के लेके आई हूँ। उठ ही नहीं रहा था मेरा भाई, बहुत बेकार हो गया है और ये मुझे मार भी रहा था। अभी मारा ना तूने मुझे? एक्सेप्ट भी कर रहे कि मुझे मारा? क्यों मारा है? टाइम देखो कितना हो गया, सुबह के 10 बज रहे हैं और भैया जी को और सोना था। मैं इनको उठा के लेके आई हूँ तो ये मुझे मार रहे थे। जाओ सो जाओ, जाओ चादर तो बिछाओ। नहीं बिछाऊंगी चादर, बिछाओ। नहीं बिछाऊंगी, ये कोई सोने का टाइम ही होता है 10 बजे। मैं देखो मेरी हालत कैसी दिख रही है, और मैं अभी भी सो के उठी हूँ। लेकिन 9 बजे उठी हूँ और शिवु 10 बजे उठा है फिर भी। लेकिन अभी मैंने नहाया नहीं है, बस चाय पी है। और मम्मी ना आज सांभर बना रही है, इडली बना रही है, तो मुझे सांभर बनाना सीखना है। तो आज सांभर बनाना मैं मोमोज बनाना सीखूंगा। वो तो मेरे से आता है मोमोज बनाना, मैं तो सीखूंगी। मैं बहुत अच्छा मोमोज बनाती हूँ शिवू के लिए, है ना शिवू? मैं तो सीख लूंगा मोमोज बनाना। खुद से ही मेरे से सीखेगा? नहीं, फिर मुझे बना के खिलाएगा ये। चलो अच्छा ठीक है, अभी अपन माँ से सांभर बनाना सीखेंगे। तो आप सब लोग वीडियो पे बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। एंड जो भी आज हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यस तो बीच में दाल डाल दो और लौकी को मड़ा फटा नीचे डाल दी। अब ये दाल धो के दाल डाल दो, फिर इसके बाद में टमाटर काट के, टमाटर सिर्फ राहर की दाल मम्मी, राहर की दाल। हाँ फिर ऊपर से फिर ये सब्जी में डाल दिया, बीच में दाल धोला वहाँ से अच्छी घिस के, जैसे रोज बनाना हाँ। घिसते हैं ना। हाँ आलू मत करो बेटू, और ये आलू भी बना रही है। ऐसे देखो ऐसे गंजी करो, डायरेक्ट पलटाओ ना। दी डाल दो दालें और सब्जियां जब हल्की सी हो जाएंगी ना, बफ टाइप की जाएंगी, उसके बाद टमाटर डालना। चलो पानी फिर फुलाना है मम्मी, बस 10 मिनट ना। हाँ भैया शिवो पानी लेके, अपन सांबर बनाना सीख रहे हैं ना। थोड़ा सा ना निकाल दिए। हाँ इसको अलग कर देना है ना, कोई पूरे अलग कर देंगे। चटनी भी बन गई, मूंगफली की चटनी है ना, नारियल मूंगफली, नारियल मूंगफली की चटनी, नारियल मूंगफली की चटनी भी रेडी हो गई। ये डाल रही मम्मी गंजी, आइल डाल रही है, सांबर में तड़का लगने वाला है। सबसे पहले निकालेंगे सौंफ, क्या डाला, बारीक वाली राई। हाँ उसके बाद अपन ने डाला हींग, इसमें ही डालना है ना। हाँ सब करते छौंकना है, छौंका लगाने के लिए। हाँ डालते हैं पर मीठी नहीं। हाँ गरम हो गया ना तेल, हाँ और हींग डालना है, उसके बाद करी पत्ता। वाह यार खुशबू तो कितनी अच्छी आ रही है, स्मेल इज वेरी नाइस।
अब थोड़ा आराम से मुंह बना के नहीं डालना। हाँ हाँ ये लग गया सांबर में तड़का, ऐसे बन गया सांबर, ये बन गया सांबर। और जितना अच्छा ये दिख रहा है उतना ही अच्छा इसका टेस्ट होगा, मुझे पहले से ही पता है। सांबर बन के रेडी हो चुका है और मैंने भी देख लिया है आज बहुत अच्छे से कि कैसे बनाते हैं। हाँ आज मैंने पहली बार, इतनी बड़ी होगी ना, आज मैंने पहली बार देखा है कि मम्मी सांबर कैसे बनाती। नहीं तो हमेशा तो सिर्फ खाती थी, कभी नहीं देखती थी सच में भाभी, मैं कभी ध्यान ही नहीं देती थी कि मम्मी बनाती कैसे। हाँ आज आपने भी फर्स्ट टाइम देखा ना, हाँ तो आज मैंने और साक्षी भाभी ने बहुत अच्छे से देख लिया है, सीख लिया है। देखो भाभी भी जाके बनाएंगी वहाँ अपने घर और मैं भी बनाऊंगी अपने घर, तो मैं भी सबको खिलाऊंगी वहाँ जाके, भाभी भी वहाँ जाके सबको खिलाएंगी, क्योंकि मम्मी के यहाँ का सांभर बहुत बहुत टेस्टी होता है। इसीलिए आप सब लोग भी ट्राई करना इसको, जरूर बनाना अपने अपने घर पर। एंड नेक्स्ट टाइम मैं इडली का भी आपको शेयर करूंगी कि इडली कैसे बनाती है मम्मी, क्योंकि कई लोगों की इडली ना सॉफ्ट नहीं बनती है, वो स्पंजी ना मम्मी फूलती नहीं है, और जो मेरी मम्मी बनाती है वो बहुत स्पंजी बनती है। आज मैं शेयर करती बट क्या है ना, घोल पूरा रेडी हो गया है इसलिए आज मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम इडली एंड डोसे की रेसिपी भी शेयर करूँगी और नारियल की चटनी। मुझे सब्र नहीं हो रहा खाने के लिए, तो मैं चली अपना इडली और सांभर खाने।